हेलो गाइस, कैसे आप सभी के सब लोग। सो यहाँ पे मेरे पास रियलमी की तरफ से आने वाला 9 प्रो डिवाइस, मैंने 9 प्रो प्लस की अनबॉक्सिंग और उसकी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी है। अब इसकी वीडियोस बनाने की बारी है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे, उसके बाद इसके और भी डिटेल्स आपको देंगे। साइड में रियलमी 9 प्रो 5G लिखा हुआ, ऊपर साइड की बात रही तो यहाँ पे देख सकते हो MRP लिखा हुआ है और इसका मॉडल नंबर RMX3472 लिखा हुआ है और MRP जो 18,999 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और चलो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इस फ़ोन में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। बॉक्स के बैक साइड में यहाँ पे रियलमी 9 प्रो लिखा हुआ है और यही आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और 33 वॉट का डार्ट चार्जिंग है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, यही सब डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले इसके रैपर को मैं हटा लेता हूँ, देन यहाँ पे जो है इस फ़ोन के डब्बे को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको लीड देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको मेन फ़ोन देखने के लिए मिल जाएगा। इस फ़ोन को टर्न ऑन करके साइड को रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा 33 वॉट का, देन टाइप सी केबल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये आपको बॉक्स कंटेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले फ़ोन के फर्स्ट लुक की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको Realme UI 3.0 देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको डिस्प्ले 6.6 इंचेस की, मतलब 6.59 ऐसा कुछ है, मतलब उसको आप 6.6 इंचेस ही कंसीडर करिएगा, तो 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। 120 हर्ट्ज़ की ये डिस्प्ले है। यहाँ पे जो है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ 120 हर्ट्ज़ एंड 60 हर्ट्ज़ का ऑप्शन। यहाँ पे पहले तो हम AMOLED के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो AMOLED ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिल रही है साइड बाय साइड में। उसके बाद यहाँ पे आप रिफ्रेश रेट देख सकते हो 120 हर्ट्ज़ और यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ है। 60 हर्ट्ज़ में थोड़ा स्लोअर फील होता है और 120 हर्ट्ज़ में बेटर फील यहाँ पे होता है। बात करें यहाँ पे इस फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसर जो इक्विवेलेंट है अराउंड डायमेंसिटी 900, उसी के अराउंड का ये प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। वीवो T1 कल ही लॉन्च हुआ है इस प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे आप कैमरा देख सकते हो, 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको कैमरा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मैं कुछ कैमरा शॉट्स लगा देता हूँ, सैंपल्स आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे अभी बात करते हैं अपन इसके रियर कैमरा की, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बाकी सब यूजलेस कैमरास आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट का चार्जर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन है, ब्लैक कलर एंड जो अपना स्काई वगैरह कलर है वो वाला भी आता है। और यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार का डिवाइस है, काफ़ी बढ़िया मुझे ये डिवाइस लगा है। और अगर आपको इस फ़ोन के बारे में और भी कुछ पूछना हो, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर इसकी MRP जो 18,999 है, तो आप समझ लो 17,999 या 16,999 की प्राइसिंग में ये जो फ़ोन है इंडिया में लॉन्च होने वाला है, 16th को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, होप लाइक दिस वीडियो, टाटा बाय बाय।